आप सब स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और देखिए सुबह सुबह मैं नहा ली हूँ। आज दिवाली के दूसरे दिन हम लोग के यहाँ दलिद्र हाँका जाता है, तो वही मैं 4 बजे से ही उठी हुई हूँ। 4 बजे उठी तो उतना सुबह मैं थोड़ा देर बैठ गई, उसके बाद सारे रूम से दलिद्र हाँकी हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, सब झाड़ू लगा के उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के पूजा भी कर ली हूँ। तो आप लोग का दिवाली कैसे मना? हमारे बच्चे लोग तो बहुत इन्जॉय किए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं की, थक गई थी तो पटाखे वगैरह मैं नहीं छोड़ी हूँ, खाना वाना बना के उसके बाद मैं काम करके थक गई थी तो मैं आराम कर रही थी, बच्चे फोड़ रहे थे बाहर में। तो देखिए अब तो ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, ये देखिए कैसा कुहासा किया हुआ है ये। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, अभी रात पल्ला था तो आते हैं, उसके बाद दोनों मिलके चाय पियेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए कितना बज रहा है, 6:30 होने चला है, 6:30 से ऊपर ही हो रहा है। तो ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप सबको, देखिए कितना कुहासा किया हुआ है, दूर दूर एकदम कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और देखिएगा अब ठंड कितना जल्दी बढ़ेगा और भी, क्योंकि जैसा वेदर किया हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगा एक दो दिन में। बाहर निकल के मैं बना रही थी वीडियो, देखिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर और मैं आगे से बनाती तो पता चलता, एकदम थोड़ा सा दूरी भी दिख नहीं रहा था यहाँ से, बस थोड़ा सा चार कद। और ये देखिए लग रहा है मैं एकदम बादल में बैठ खड़ी हूँ, इस तरह का पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, एकदम वाइट वाइट सब कुहासा नज़र आ रहा था। देखिए और सुबह सुबह नहा ली थी ना तो इतना ठंड लग रहा था, साल ली थी फिर भी। तो आप लोग को भी मैं दिखा रही हूँ बाहर से। और अभी मेरे घर में सब सोए ही हैं बच्चे लोग, तो हस्बैंड आते हैं उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद तो लग रहा है चाय कब पीऊँ, पर अकेले पीने में अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए हस्बैंड के इंतज़ार कर रही थी, वो रहे थे आएंगे उसके बाद दोनों पियेंगे बैठ के। तो तब तक मैं तो ये मैं आप लोग को बाहर का वेदर दिखा रही हूँ कैसा किया हुआ है, कुहासा है एकदम। तो ये मैं आप लोग से बातें भी कर रही थी, इतना भयंकर कुहासा है एकदम, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला जैसा दिख रहा है। देखिएगा ठंड कितना जल्दी और बढ़ेगा, जैसा बाहर का नज़ारा दिख रहा है ठंड तो काफ़ी बढ़ जाएगा। और अभी से ही ठंड लग रहा है, पंखा बंद कर दिए फिर भी ठंडा लग रहा है। तो चाय तो मेरा बन रहा है, थोड़ी देर बैठती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी जल्दी शाम का खाना बनाने चल रही हूँ। तो देखिए मैं कहीं गई थी इसलिए लेट हो गया आज, तो ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी बनाना है तो चलते हैं रोटी बनाते हैं। सुबह का है सब्जी, सब्जी हो जाएगा। तो फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सुबह में जो बनाई थी वो है अभी सब्जी। तो सासू माँ का दांत में दर्द था, उन्हीं को लेके मैं गई थी डॉक्टर में, इसीलिए लेट हो गया जितना, 6:30 हो गया है। तो बस रोटी बना लेते हैं, चावल भी थोड़ा सा है, और बर्तन छोड़ के गई थी तो आके मुझे बर्तन भी धोना पड़ा। तो देखिए सारा क्लीन तो कर ली हूँ बर्तन वगैरह, ये देखिए सारे धो के, सिंक एकदम क्लीन है, बस एक प्लेट है इसमें। तो चलिए बना लेते हैं रोटी। आटा तो ऐसे है इतना, थोड़ा सा और सानूंगी इसमें मिला के। तो ये देखिए इतना आटा है, इसमें थोड़ा सा और मिला लेंगे तो सबके लिए हो जाएगा।
थोड़ा सा मेरा फिश टैंक वाला वो मोटर चलता है, इसीलिए थोड़ा साउंड आते रहता है। ये देखिए, ये जो है उसका मोटर कहीं आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। एक्वेरियम वाला जो है फिश टैंक, उसका मोटर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता है। तो वीडियो में अगर आ रहा होगा साउंड तो इग्नोर कीजिए, क्या करें, अब उसको तो मुझे एनी टाइम चालू करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए, इतना आटा लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि उतना है मेरा सना हुआ आटा। तो आते हैं पहले पानी लेके, उसके बाद आटा लगाएंगे। अरे सारे चलिए पानी लेके आते हैं। तो पानी मुझे यहाँ रखना पड़ता है, क्या करें, वहाँ पे है, ये देखिए मैं यहीं पे पानी रखती हूँ। सारे पानी मेरे यहीं पे रहते हैं, पीने वाला भी और खाना बनाने वाला भी, क्योंकि मेरा केंट जब से खराब हुआ है तब से मैं पानी इधर ही लेती हूँ, इधर ही रख लेती हूँ। देखिए केंट ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब इसको पता नहीं कब बनवाएंगे हस्बैंड, तो जब तक बनेगा नहीं तब तक। और हम लोग इधर है कि मीठा पानी मैं लेती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाद का पानी आता है, उससे तो कोई चीज़ नहीं, बस बर्तन कपड़ा यही सब होता है। खाना बनाने के लिए मुझे दो पानी लेना पड़ता है, एक पीने के लिए मिनरल वाटर और एक खाना बनाने के लिए वो मीठा पानी रहता है, तो उससे ही दाल चावल सब ठीक बनता है। नहीं तो ऐसे इधर का पानी पीने लायक खाने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग का इधर का पानी कोलियरी का है, तो खाद का पानी आता है, तो उससे बस आप कपड़े धोइए, नहाइए, फिजिए, यही सब कीजिए। तो चलिए पहले मैं आटा लगा ले रही हूँ, देखिए आटा लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मेरा आटा तो लग गया, ये देखिए थोड़ा सा देर इसको रेस्ट दूंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। रेस्ट दूंगी, तो चलिए फ्रेंड, पीछे में था कुछ कपड़े वो मैं ले आ रही हूँ। देखिए इधर लाइट भी नहीं जला हुआ है, तो लाइट भी जला देंगे, अंधेरा है। ये देखिए मेरे गेट में कितना सुंदर सा ये माला लगा हुआ था। देखिए अंधेला है इधर कितना, तो लाइट चला देते हैं पहले। ये जल गया लाइट, तो हाँ फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। देखिए इधर कितना अंधेला है, ये पेड़ देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ, ये मेरे आंगन का है व्यू पीछे साइड का, तो देखिए कितना लगता है अकेले, इसीलिए बच्चे नहीं आते हैं, उन लोग को डर लगता है, उन लोग को नहीं लगता है, मेरा तो आदत हो गया है, बच्चे को इधर आने में डर लगता है, क्योंकि पेड़ देखिए इतना बड़ा बड़ा पेड़ है ये, ये देखिए कितना घना घना पेड़ है, तो अजीब लगता है रात में थोड़ा। ऐसे कोई डर नहीं है, डर क्या है,
इधर बगल में देखिए कितने सारे घर हैं, ये मेरे बगल में है, ये है। जब शुरू आई थी इस घर में तो मुझे लगता था थोड़ा सा, लेकिन अब आदत हो गया, अब कुछ नहीं डर लगता। तो ये इतने कपड़े थे उधर, ये मैं रख दे रही हूँ। और ये देखिए ये मोटर आवाज करते हैं, यही मेरा आवाज करते रहता है क्योंकि चलाते हैं ना इसको पूरा टाइम, तो साउंड में इसका आवाज आता है। और इकट्ठा देखिए शाम को कहीं चली जाने से, देखिए पूरा कपड़ा, इसको सुबह में मैं फोल्ड करूंगी। अब तो रात हो गया, खाना बनाने का भी टाइम है, तो अभी नहीं करूंगी, सुबह में ही फोल्ड कर लूंगी सब। फ्रेंड देखिए अभी मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं है, बस रोटी बनाना है। रोटी अच्छी तरह से पहले आटा फूल जाए उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो हस्बैंड तो नहीं है, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, इधर इनका 2-3 दिन तक है सेकंड से, उसके बाद फिर वही सुबह कहीं हो जाएगा ड्यूटी जनरल। तो और आदत है उनका घर में रहने का, तो इस टाइम अच्छा नहीं लगता है, चल जाते हैं ड्यूटी तो बो रहे थे 2-3 दिन और है यही वाला पल्ला, उसके बाद फिर आ जाएंगे पहले वाला में। तो आप लोग का दिवाली कैसे मना कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए अब तो मेरा रोटी बन गया और बच्चों को अब खाना दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है काम। तो अपना वीडियो में अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का दिवाली कैसे मनाएं सब। और हम लोग का दिवाली तो बहुत अच्छे से मना, 2 दिन में पूजा की, दोनों दिन अच्छी तरह से की हूँ पूजा वगैरह। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, यहीं तक रखूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि वीडियो में और भी अच्छा अच्छा लाने का कोशिश करूँ आप लोग के लिए। तो चलिए अपना वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।